AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने आज प्रयागराज शहर के MIC इंटर कॉलेज के मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी और योगी से डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग वोट कीजिए। आगे कहा कि जब 2-5% वाले अपनी जाति की पार्टी बनाकर सरकार में भागीदारी कर सकते हैं तो हम 22% वाले क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मायावती जाटव समाज की नेता बन सकती हैं, अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की, संजय निषाद निषाद समाज की, तो हम अपने नेता क्यों नहीं चुन सकते। अपने संबोधन में बोलते हुए ओवैसी ने सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ज्यादा कोसा। वहीं इसके पहले 20,000 जनसमूह के बीच पूर्व बाहुबली सांसद के पुत्र अली ने सपा को कोसते हुए कहा कि मेरे पिता हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद और विधायक हुए, लेकिन हमेशा मुलायम सिंह यादव की मदद की, जिससे आसपास के जिलों में सपा को पहचान मिली। लेकिन वही समाजवादी पार्टी ने जेल जाने के बाद कभी भी मेरे परिवार से दूर हो। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन ने साबरमती जेल से भेजे गए अतीक अहमद के पत्र का संदेश पढ़ा। मैं और मेरे भाई अशरफ जेल में, मेरे बेटे उमर अतीक को गलत फंसाया गया, बेटे पर CBI ने इनाम घोषित किया। पत्र में लिखा कि कुछ सियासी गलतियां हुई हैं। आगे शायस्ता परवीन ने भाजपा सरकार के बजाय सपा को ही अपनी हालत का जिम्मेदार बताया। यूपी के प्रयागराज से नावेद खान की रिपोर्ट।